इंस्टीट्यूशंस का हम मॉडल डिस्कस कर रहे थे और उस सिलसिले की आखिरी वीडियो जिसमें हमारे कुछ इदारे बाकी रह गए हैं। सबसे पहले नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 156 में बहुत डिटेल में इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इसका, इसके मेंबर्स हैं, उनका तस्करा है। तो NEC consists of the Prime Minister, जो कि इसका चेयरमैन होता है, Chief Minister of each province and one member from each province nominated by the Chief Minister. ठीक है, चार provinces हैं तो चार Chief Ministers member होंगे, साथ हर Chief Minister अपना एक एक नुमाइंदा भी nominate कर सकेगा इस body के लिए। ठीक है, तो ये total आप कह लें कि Prime Minister प्लस आठ मेंबर ऑन ये हो गए, चार चीफ मिनिस्टर और चार वो, और प्लस फोर अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो कि फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, तो ये चार और हो गए, तो ये 13 मेंबर ऑन पर मुश्तमिल एक बॉडी होती है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र है। NEC मीटिंग शुड बी हेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, साल में दो दफा इसकी मीटिंग होना लाजिम है, और जो कोरम है एक मिनिमम मेंबरशिप इसकी एक मीटिंग जो है उसको कन्वीन करने के लिए, दैट इज वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, उससे कम मेंबर्स होंगे तो इसकी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। NEC जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से मुराद नेशनल असेंबली प्लस सेनेट, एंड इट सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जस्ट अ मिनट, राइट, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे NEC के, NEC इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, नेशनल असेंबली प्लस सेनेट, और हर साल ये एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट कराती है टू ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अपनी मैंडेट के हवाले से जो उसने काम वगैरह किया और वो सारी चीजें। अब मैंडेट इसका है क्या, ठीक है, बुनियादी तौर पे NEC रिव्यू करती है द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री and advises the federal and provincial government in formulation of financial, commercial, social and economic policies. ठीक है, आप NEC को basically एक forum समझिए center province coordination का, ठीक है, जो कि 18वीं तमीम के बाद जिसकी importance जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि काफी ज्यादा functions provinces को delegate कर दिए गए हैं। अब जाहिर है अगर फेडरल गवर्नमेंट अपनी एक आइसोलेशन में पॉलिसी बना रही हो इकोनॉमिक, वो अपने लिहाज से इकोनॉमिक कंडीशन को जो है वो रिव्यू कर रही है, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लिहाज से अपनी प्रायोरिटीज जो है उनका तयन अलहदा कर रही है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज बिल्कुल एक आइसोलेशन में जा रही है, पैरेलल चल रही है बाकी गवर्नमेंट्स के, तो वो जाहिर बात है ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए फायदेमंद चीज नहीं है। तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बेसिकली वो फोरम है जिसमें आपने देखा कि प्रोविंसेस की नुमाइंदगी भी है और फेडरल गवर्नमेंट की भी है, तो ये बेसिकली सारी गवर्नमेंट्स के लिए, सेंटर्स और प्रोविंसेस के लिए मिल बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस करने का और उसके हवाले से कुछ प्रिंसिपल्स पे एग्री करने का एक फोरम है, ठीक है, ताकि एक हार्मोनाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, एक नेशनल विजन को सामने रखते हुए पांचों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है आपकी वो तश्कील दे सके, ठीक है। तो ओवरऑल ये प्रोविंसेस को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है कि आपको क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से मेजर्स लेने चाहिए, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सोशल पॉलिसी क्या क्या बनानी चाहिए, ठीक है। द पर्पज ऑफ दिस एडवाइस इज टू इंश्योर द बैलेंस्ड डिवेलपमेंट एंड रीजनल इक्विटी, ठीक है, कि सारी एट पार जो है वो सारे प्रोविंसेस जो है वो रहे, ये ना हो कि कुछ एरियाज जो है वो जियोग्राफिकली इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड हो जाए, कुछ एरियाज बहुत पीछे रह जाए, ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जाहिर है चारों सूबों की नुमाइंदगी है, लाइक फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का जो PSDP का जो बजट है, अब वो उसने लगाना तो पाकिस्तान में ही है ना, अब पाकिस्तान में कहीं भी लगा है वो किसी ना किसी प्रोविंस की लाइक डोमेन में फॉल करेगा जियोग्राफिकल, तो अब NEC उन्हें ये प्रपोजल दे सकती है फेडरल गवर्नमेंट को कि आप जो है जी लाइक फॉर एग्जाम्पल इस दफा ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो बलूचिस्तान में लगाए, इस साल जो है वो फाटा नया नया मर्ज हुआ है, ठीक है, और वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है, तो फेडरल गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज फाटा को करे बाकी सूबों की निस्बत यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ताकि इक्विटी जो है वो इंश्योर की जा सके, एक हार्मोनाइज्ड बैलेंस डेवलपमेंट हो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान।
तो ये एनईसी को आपने इन इस टर्मिनोलॉजी में देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, एक पॉलिटिकल फोरम है जिसका मकसद सेंट्रल प्रोविंस कोऑर्डिनेशन और एक थ्रू आउट द कंट्री बैलेंस्ड डेवलपमेंट और रीजनल इक्विटी को इंश्योर करना है, और इसके हवाले से ये सारी गवर्नमेंट्स को जो है वो एडवाइस करती है, और ऑफकोर्स ये अपनी जो गाइडलाइंस लेती है ये रिकमेंडेशन के लिए वो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी से ही लेती है, जो कि 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है जिनको हमने देखा है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल क्या होती है कि एनईसी मैंने आपको बताया एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जिसकी लाइक मेंबरशिप बहुत हाई प्रोफाइल है, इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर और चारों सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद है, और साथ वो एक एक नुमाइंदा भी होता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो और ये इसके आप इसी वजह से देख लें कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो कन्वीन करने की वो भी काफी लीनियंट रखी गई है कि साल में 2 दफा कम अज कम जरूर हो, क्योंकि आपकी सारी कंट्री की टॉप पोलिटिकल लीडरशिप जो है वो इसकी मेंबरशिप है, तो जो डे टू डे मामलात हैं वर्किंग के हवाले से, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल है, इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से, वो डे टू डे मामलात इस तरह क्या, अगर हर दफा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल पे ही आप वो जिम्मेदारी डाल दें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारी पूरे मुल्क की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को आप इकट्ठा करें और वो इस तरह से माइक्रो मैनेज करें सारे मामलात की, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो इस वजह से एक ना एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई है, जिन लोगों का अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था और उन्होंने चाइना का सिस्टम पढ़ा है तो वो इससे काफी रिलेट कर पाएंगे कि जिस तरह चाइना में वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, फिर उसके नीचे वो एक अंदर पॉलिट ब्यूरो बनाया गया है, सॉरी आप कह लेंगे सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, सॉरी, जो कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस से ही डिराइव होती है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, फिर सेंट्रल वर्किंग कमेटी से जो है वो आपका पॉलिट ब्यूरो जो है वो डिराइव होता है, तो मतलब वो बॉडी छोटे से छोटी होती जाती है, और जैसे जैसे वो पिरामिड जो है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है उसी तरीके से पावर्स भी जो है वो बढ़ती जा रही है, ताकि वो जो कंसाइज बॉडी है ना वो ये डे टू डे मामलात पे अच्छे तरीके से डिलीबरेट करके डिसीजन ले सके, क्योंकि इतने बड़े लेवल की जो बॉडीज होती हैं उनके लिए ये सारी माइक्रो मैनेज करना मामलात को पॉसिबल नहीं होता। सेम वही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई है कि क्योंकि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के लिए कन्वीन होना और माइक्रो मैनेज करना मामलात को मुश्किल है, तो उसने अपने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दिया जिसको उसने अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी है फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है। इसकी सारी पावर्स नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वाली ही है, बस वो डेलीगेट हो गई है, और इसकी मेंबरशिप जो है वो जाहिर है उतनी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स उसकी नहीं है, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर नहीं होती ताकि गवर्नमेंट मामला जो है गवर्नमेंट बिजनेस को स्मूथली चलाया जा सके। इसकी मेंबरशिप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। करंट अगर आपने मेंबरशिप देखनी है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, आप कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पर जाए, आप सिर्फ ये लिखें गूगल पे कैबिनेट डिवीजन और आगे ये एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, वो वही पेज डायरेक्ट पहले नंबर पे दे देगा जिसमें इसकी करंट मेंबरशिप का वो नोटिफिकेशन जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या करती है जी कि द मेन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल्स आर टू सैंक्शन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम्स एक्सीडिंग फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी ऑफ CDWP। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि 500 मिलियन से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के, उनका अप्रूवल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल देती है, ठीक है। ये टेक्निकली देना नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को चाहिए, लेकिन वो पावर्स डेलीगेट कर दी गई है एग्जीक्यूटिव कमेटी को, वजह मैं आपको बता चुका हूँ। फिर ये करती है जी कि इट सुपरवाइजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड डाउन बाय द कैबिनेट एंड नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, कि वही नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और कैबिनेट जो रिकमेंडेशन देगी उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना इसका काम है। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी ओनली कंसिडर्स दोज डेवलपमेंट स्कीम्स which are recommended by CDWP. No developmental scheme is placed directly before executive committee. ये एक बड़ा important point है। वो जो hierarchy हमने पीछे पढ़ी थी कि 60 मिलियन से कम के जो projects हैं वो departmental committee होती है वो approve कर देती है, 60 मिलियन से ले बढ़े और 500 मिलियन से कम के जो है वो CDWP अप्रूव करते हैं, और अगर CDWP से एक्सीड कर रहा हो उसके मैंडेट से भी 500 मिलियन से ज्यादा तो वो फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव कमेटी अपने ओन पे कोई प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव नहीं ले सकती, ये सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करेगी, अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी जो कि सेंट्रल डेवलपमेंटल वर्किंग पार्ट CDWP ने उसके सामने रखे, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी वर्किंग के हवाले से पॉइंट था। तो ये हो गई जी एग्जीक्यूटिव कमेटी, और आखिरी प्लानिंग इंस्टीट्यूशन जो है जो इस हवाले से इंपॉर्टेंट है दैट इज द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। इसका बड़ा एक डिफरेंट सा मैंडेट रोल है जो अभी आपको मिसालों के जरिए वाजे हो जाएगा।
इसके फंक्शंस जो है वो बहुत डिटेल में ये लिखे गए हैं, आई थिंक रूल्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं भी है तो एक कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पर जरूर मिल जाएंगे, मैंने वहीं से ये पढ़े हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं जी, टू मेंटेन विजिलेंस ऑन द मॉनिटरी एंड क्रेडिट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, कंट्री के लाइक जराए मुबादला के जखायर, आपके जो एक्सचेंज रेट है, इंटरेस्ट रेट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज के हवाले से, उस कंट्री के पास इस टाइम पैसे कितने रह गए हैं इंपोर्ट के हवाले से खरीदने के लिए, सारे मुबादला के जखायर, ये क्रेडिट सिचुएशन और मॉनिटरी सिचुएशन को मतलब मॉनिटर करते रहना इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है। फिर ये कंट्री की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को जो है वो मैयर करती है, ठीक है, मॉनिटर करती है, रिव्यू करती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का जो इफेक्ट है प्रोडक्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे, उसको ये मतलब रिव्यू करेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या आ सकता है जी, कि आपने जो बाहर से प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट कर रहे हो किस पे कितना टैरिफ लगाना है, कहाँ कहाँ किस किस कंट्री से आपने इंपोर्ट करना है, किस फर्म को आपने कितना कोटा देना है, प्राइवेट सेक्टर को कितना कोटा देना है, और हुकूमत ने कौन सी चीज कितनी इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट वाली चीजें हमने किस कंट्री में कहाँ एक्सपोर्ट करनी है, क्या चीजें हमें प्रायोरिटाइज करके बनाने की जरूरत है ताकि उनको एक्सपोर्ट करें, ये सारी चीजें इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी इस पर एक डायरेक्शन सेट करती है। फिर ये जो आपके मुल्क में कमोडिटीज की प्राइसेज है उसकी सिचुएशन को ये मैयर करती है, रिव्यू करती है, with a view to ensure the stability of prices of goods used by the common man, ठीक है? तो अगर ये जो अशियाए खुर्दू नोश की जो prices हैं, उनको एक stable रखना, उनके हवाले से एकदम आत लेना कि वो आम आदमी की दस तरफ से बाहर ना हो जाए, ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है। फिर ये ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जो लाइसेंसेस जारी करती है कंपनीज को, वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। ये ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हमने बहुत डिटेल में जब हम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप्स पढ़ रहे थे वहां हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी, बहुत डिटेल में ये इनको स्टडी किया था, लाइक स्टेट बैंक एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो इस तरह की इन इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस बॉडीज की परफॉर्मेंस को मैयर करते रहना, ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है। फिर रिव्यू ऑफ मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक सर्वेज सच एज लेबर फोर्स का सर्वे, कि पाकिस्तान में लेबर फोर्स की सेम कितनी तादाद जो है, उसमें जेंडर रेशो कितनी है, खवातीन की तादाद लेबर फोर्स में कितनी है, किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में, सर्विसेज में, किस रेशो में डिवाइडेड है लेबर फोर्स, ये सारे सर्वेज इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी मतलब ओवरसी करती है लेबर फोर्स के सर्वे को। डेमोग्राफिक सर्वे जो कि पॉपुलेशन का होता है उसको ये ओवरसी करती है। हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे, सेंसस ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जिस तरह एक आम आवाम का सेंसस होता है ना मुर्दमशुमारी, इस तरह इंडस्ट्रीज की भी होती है कि किस सेक्टर में कितनी इंडस्ट्रीज मौजूद है, कौन कितनी चीज प्रोड्यूस कर रही है, कहाँ कहाँ पे वो मौजूद है, ठीक है, ओवरऑल उसके हवाले से रेलेवेंट स्टैट्स वगैरह का एक प्रॉपर सेंसस डॉक्यूमेंट बनाया जाता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, उनका भी, और स्मॉल एंड हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का भी बनाया जाता है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का। ये सारे सर्वेज जो है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है बेसिकली रिव्यू कर रही होती है, ओवरसी करती है, और इनको यूज करते हुए इस डाटा को वो पॉलिसी के हवाले से रिकमेंडेशंस वगैरह देती रहती है कैबिनेट को, ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है। फिर हाफ ईयरली रिव्यू मतलब साल में दो दफा ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर किन किन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, क्योंकि जाहिर है प्राइवेट सेक्टर की जो प्रायोरिटीज है वो भी हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट है। हुकूमत अपनी पॉलिसीज बाज दफा इस तरह की बनाती है, इनेबलिंग पॉलिसीज, फैसिलिटेटिव पॉलिसीज, कि जिससे प्राइवेट सेक्टर को एक सर्टेन एरिया में काम करने का इंसेंटिव हो, क्योंकि हुकूमत की इकोनॉमिक प्रायोरिटी ये होती है कि हमें इस सेक्टर को डेवलपमेंट करना है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किसी सर्टेन फील्ड में लगा रहा है, लाइक कंस्ट्रक्शन में, लाइक ओवरऑल टेक्सटाइल में, केमिकल्स में, पेट्रोलियम में, तो वो उनकी इंप्लीमेंटेशन को भी रिव्यू वगैरह करते रहना, वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है। फिर ये कंट्री की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को टाइम टू टाइम जो है वो रिव्यू करती रहती है, और एनर्जी की क्या क्या इफेक्ट आ रहा है प्रोडक्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे, वो भी ये रिव्यू करती है। ये मतलब आप देखिए कि बहुत डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक टू द पॉइंट फंक्शंस है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के, जो कि बाकी प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस के जो रोल हमने पढ़े हैं उससे काफी डिफरेंट और स्पेसिफिक है। मैं इसकी कुछ रिसेंट पास से आपको ये मिसालें दे रहा हूँ, जो पिछले छह माह में आपने ये खबरें अखबार में जरूर पढ़ी होंगी कि जी अब देखें, जैसे कि अब ये जो हुकूमत है पाकिस्तान ने अप्रूवल दिया है कि $150 मिलियन की हमने कोविड वैक्सीन जो है वो बाय करनी है, इसका अप्रूवल जो है वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से आया है कि इसके लिए आप सप्लीमेंट्री ग्रांट, जो कि आप देखें बजट में तो पिछले साल के इंक्लूड नहीं था कि हमने कोविड की वैक्सीन के लिए इतने पैसे चाहिए,
ये चूंकि अनफोर्सीन इमरजेंसी सिचुएशन आई है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट का मैंने आपको बताया हुआ है कि आर्टिकल 84 में ये इसका लिखा हुआ है कि हुकूमत को अगर लगे कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो वो चाहे वो बजट में इंक्लूडिंग नहीं भी है चीज, तो वो सरकारी खजाने से पैसे निकाल सकती है और अगले साल बजट के टाइम में पार्लियामेंट को बता देगी कि ये इतने पैसे हमने लगाए हैं, इनका अप्रूवल दे दे। तो ये हुकूमत की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का अप्रूवल जो है वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी देती है, ठीक है, ये कोई एक सिंगल बंदे का डिसीजन नहीं है। फिर ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स के हवाले से इस साल की गई है 2020-21 के बजट में, वो 38 बिलियन की थी, उनका अप्रूवल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिया। फिर आप ये देखिए कि यही जो फेडरल गवर्नमेंट आजकल कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बड़ी बातें कर रही है, उनके प्रोविंशियल हुकूमत से ताल्लुकात जरा थोड़े मखदूश छा रहे हैं, तो जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट अपने ओन पे एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो प्लान कर रही है, जिसके लिए 101 ट्रिलियन रुपीज का एक जो उन्होंने प्लान अप्रूव किया है उसका अप्रूवल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से आया है। फिर ये प्राइसेस का मैंने आपको बताया था वो स्टेबल रखना इसका काम है, तो पिछले दिनों जब 6-7 माह पहले काफी ज्यादा ये वीट का क्राइसिस हुआ था, आटे की कीमतें आसमानों को छूने लग गई थी, तो ये जो वीट सपोर्ट प्राइस का अप्रूवल दिया था कि इतनी हमने बरकरार रखनी है, इससे ज्यादा ना जाए, और उसको बरकरार रखने के लिए जो आपने एडिशनल इम्पोर्ट्स की इजाजत दी थी प्राइवेट सेक्टर को कि रशिया से आप मजीद गंदम इम्पोर्ट कर लें ताकि वीट की प्राइस इस पॉइंट पर स्टेबल रखी जा सके, उसका अप्रूवल भी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से आया था, ठीक है। तो ये उसकी मैंने आपको मिसालें भी दे दी, करंट मेंबरशिप उसकी ये है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू उसके चेयरमैन है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के, और बाकी सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं, कम्युनिकेशंस, इकोनॉमिक अफेयर्स, इंटीरियर, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन। तो ये इसकी मेंबरशिप है। सो विद दिस हमने तमाम वो प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत डिटेल में पढ़ ली है फेडरल गवर्नमेंट के, जिनका पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में किरदार होता है, क्या क्या किरदार होता है, किस किस पॉइंट पे होता है, क्या क्या इख्तियार है हर बॉडी के, मैंडेट क्या है, वो कहाँ से डिराइव करती है पावर, सब बहुत डिटेल में हमने कवर कर लिया, ठीक है। सो हमारा ये मॉड्यूल भी इसके साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सी यू।